मॉर्निंग एंड हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। थोड़ी सी विंडोज आई होगी तो भाई इग्नोर करना। आज भी भाई सुबह सुबह बहुत मस्त हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है कसम से, ठंडी ठंडी। तो भाई बस देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग कुछ होता है। वैसे आज शेविंग करनी ही पड़ेगी। एक्चुअली मैं मेरे को स्कूल में भी जाना था जहाँ पे मैं काम करता हूँ, बट आज भाई मीटिंग है जो वर्चुअली है तो जूम पे ही अपना काम निपट जाएगा। तो अच्छी बात है, आज रेस्ट करेंगे, मज़े लेंगे। फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मुझे शेविंग करनी पड़ेगी 23 डेज़ के बाद में। तो 23 दिन हो चुके हैं और देखते हैं भाई शेविंग करने के बाद स्मार्ट दिखते हैं या और गंदे दिखते हैं। तो मेरे लगाए हुए फूल खिल चुके हैं। तो ये है पत्थरचट का पेड़ है जो ये पत्ते से दिखाई दे रहे हैं, और भाई इनका पता नहीं है क्या नाम है, बट ये हर मौसम में रहते ही हैं। मैंने नीचे भी लगा रखे हैं और ये अपने सही स्टार्टअप हो चुके हैं। ये छोटा सा पेड़ भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो नहा धो लेते हैं और शेविंग कर लेते हैं। सो लेट्स सी क्या रिएक्शन रहता है, कैसा हो जाता हूँ मैं। तो जी मैं बन गया हूँ बदमाश से, अब बिल्कुल शरीफ सा बच्चा। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, खैर मेरे को तो लग ही रहा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे वो दाढ़ी वाला लुक सूट करता है या ये सिंपल वाला लुक सूट करता है। ये सारा क्या एक्सप्रेशन तो कुछ खास मिले नहीं। अब ये शाम हो गई है और शाम होने के साथ ही स्टार्ट हो चुकी है धूल भरी आंधी। लेट मी शो यू। तो कुछ ऐसा मौसम हो गया है, आप भी बोलोगे कि यही पेड़ क्यों दिखाता है बार बार, तो भाई इसी से अंदाज़ा लग सकता है। आसमान पूरा ब्लैक ब्लैक हो चुका है भाई, बहुत ज़ोर से तेज़ हवा आई थी। सो दरवाजे वगैरह बंद कर दिए थे। सो उधर वो मेरे फ्रेंड हैं तो वो इधर देख रहे हैं, तो वो मुझे बुला रहे हैं कि वही आ जा, चल टाइम पास करते हैं बैठते हैं। उसकी शॉप है दरअसल उधर, तो चलिए उनकी दुकान पे ही चल के बैठते हैं। ये भाई वही हैं हमारे दोस्त हैं, कोरोना वाले पेशेंट। सो शॉप से मैं वापस आ गया हूँ, अभी सभी हवा का मज़ा ले रहे हैं और वही पूरा रेत ही रेत है। उसे दिखाऊं तो ये गाड़ी भी पड़ोस वालों की है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि होता है ना कि रेगिस्तान वाली चीज़ों में हम, तो भाई ऐसा लगता है कि किसी अरब देश में आ गए हैं। खैर आसमान थोड़ा सा छटना स्टार्ट हो गया है, आ चुकी है और भाई सब कुछ छुटना स्टार्ट हो गया है। बहुत ख़राब मौसम हो गया है, दिन में आज बहुत गर्मी थी, शायद इसीलिए आई हो ये तेज़ आंधी। लेकिन इस धूल भरी आंधी ने दिमाग ख़राब कर दिया है। पहले तो यहाँ पे रोड था तो इतनी धूल वगैरह नहीं थी, तो अभी तो बस कहाँ जहाँ पे भी हाथ लगा वहीं पे मिट्टी मिट्टी है, क्या कर सकते हैं। अभी इस आंधी तूफान को देख के मन में एक बात आई, क्यों ना मैं इसका टाइम लेस निकाल लूँ, देखने में भी सिनेमेटिक लगेगा। चलिए टाइम लेस। इलेक्ट्रिसिटी के पंखा भी अपने आप ही चल रहा है। सो इंटरेस्टिंग डे है, तो कुछ ना कुछ आज नया ही मिला है, एक नया दिन और आपको ये दिखाने के लिए सुबह सुबह कैमरा उठाना पड़ा है। आप बोलोगे कि रोज़ मौसम ऐसे ही दिखाता रहता है भाई, रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना और इतना तेज़ तूफान था, अभी भी तेज़ ही हवा चल रही है और बहुत बिल्कुल बर्फ़ जैसी हवा है, बिल्कुल ठंडी हवा है, और जबकि भाई गर्मियों का मौसम है। कल इतनी बुरी हालत हो रही थी कि भाई कूलर बगैर काम चल ही नहीं रहा था। भाई ये सुबह सुबह अपना कहाँ जा रहा है।
पता नहीं तो है नहीं वे, मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी अलग लगेगी क्योंकि मेरे गले में भी दर्द है भाई। तो देखिए कितना खूबसूरत है ये, है ना, बहुत मस्त लग रहा है, ज़बरदस्त, मन करता है ऐसे ही देखते ही रहूं। तो भाई ऐसा कुछ है था कि कल भी मैं व्लॉग करता रात को, लेकिन भाई अभी मेरी जॉब दोबारा से स्टार्ट हो गई है तो सुबह भाई 8 बजे तो मुझे ऑफिस में पहुंच लेना होता है, तो इस वजह से, और फिर शाम को भी वही है 3 बज जाते हैं वापस आते आते हैं, उसके बाद चाय पानी वगैरह। तो भाई नींद बहुत आ रही थी तो इतना जो आंधी तूफान था, रात को वैसे ही 1 बज चुका था सोते सोते, उसमें बीच में बार बार नींद खुल रही थी। आपको मैं दिखाता हूँ वो क्यों खुल रही थी। असल ये गेट हैं जो हमारे ये लोहे के हैं, तो उधर भी ऐसे ही लोहे के ही गेट हैं, तो वो सामने हैं जो वो भी लोहे की है जो उस पर फाइबर लगा हुआ है। तो ये इतनी तेज़ आवाज़ कर रहे थे, जब थोड़ा सा लगता था हल्की सी आवाज़ लगते ही घड़ 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 घड़, तो ऐसे नींद भी नहीं आ पाई, तो बहुत ख़राब वाली हालत हो गई थी। हालांकि फिर भी मैं 3-4 घंटे तो आराम से आज सो लिया हूँ, तो खैर एनीवे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई नींद कम ही आती है, ऊपर से मैं एक गेमर भी हूँ और फिर पहले ज़्यादा जागने की आदत हो रही थी क्योंकि पूरी पूरी रात मैं मूवीज़ वगैरह गेम वगैरह खेलता रहता था। सो बच्चे अपना खेलना स्टार्ट हो गए हैं, तो दरअसल ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरी मम है, ये पूरा दिन ऐसे ही धमा चौकड़ी रहती है। तो इधर ये एक डेयरी ही मान लो, ये 6-7 भैंसे उनकी हैं, 2 हमारी हैं इधर, और ये वही क्लासिकल जो हरियाणा की शान होती है जो गानों वगैरह में होती है, ये है बैल वाली बग्गी। तो ये आजकल तो बहुत कम होती है, बट ये चीज़ ऐसी है कि बस एक शान जैसी होती है कि एंटीक है। और ये सामने है जो ये इसमें उपले रखे हुए हैं, मतलब डंग केक, भाई बार बार इधर अपने आप ही चला जाता हूँ, क्या करूँ गलती से इधर उधर चला ही जाता हूँ। वो चीज़ हुई नहीं है कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, लगता है आज और भी बारिश आएगी। सो भाई अभी फड़फड़ाहट बाकी है मौसम में और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, सच में बताऊँ तो बस मज़ा आ गया है। हूँ जो से थक हार के और शाम के 5 बज रहे हैं, वैसे तो मैं 3 बजे ही आ गया था बट आज दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वैसे मैं दोनों टाइम पे ब्रश वगैरह भी करता हूँ और भाई बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है कोई भी, मतलब आगे वीडियो बनाने का या कुछ भी सोचने का इंटरेस्टिंग, क्योंकि भाई जॉब से थक हार इतने जाते हैं कि सेकंड चैनल पे भी आज मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो भाई एक अंदर से वो भी है कि भाई नहीं तुझे डालनी चाहिए थे। इसके अलावा जो मेरा सेकंड वाला मोबाइल है वो टूट गया और 4 दिन हो गए हैं और अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है और पता नहीं वो कब ठीक करके देंगे। तो शाम हो गई है और कुछ भी इंटरेस्टिंग इतना आज हुआ नहीं, मौसम बिल्कुल साफ ही है, तो आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और भाई कल कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पी ली थी, आई थिंक उस वजह से दांत में दर्द हो रहा है। तो मैंने दिखाया था आपको शॉट कि जब मैं दोपहर में गया था, उसके बाद मैं शाम को भी गया था और हमने थोड़े से चाउमीन वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी, तो बस शायद तभी से दांत में दर्द है। तो एनीवे काम में इतना ज़्यादा पता लगता नहीं है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं भाई। जो अपना आंधी तूफान वगैरह आज तो दिन में तो कुछ आया नहीं है, बट रात को बहुत गड़गड़ वाली आवाज़ थी, बुरी हालत हो गई थी और नींद भी सर में अभी भी ऐसे के ऐसे 2-3 घंटे ही सो पाए थे। एनीवे इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, चाहे इन्फॉर्मेटिव हो चाहे व्लॉग हो,
लेकिन आप मुझे बताओ ज़रूर कमेंट में कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। आप व्लॉगिंग देखना चाहते हो या फिर बाइक रिलेटेड चीज़ें ही आपके सामने आए तो ही आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, चलाते हुए जाए थे बाइक वाले, तो कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, ताकि मुझे हौसला मिलेगा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, बाय बाय।